सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारा जो है न्यू गेम प्ले हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं GTA 5 की। आप सब लोग जानते ही होंगे कि GTA 5 एक ओपन वर्ल्ड गेम है, तो आज से इसकी सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ माइकल है, हमारा फर्स्ट गेम प्ले। आई होप आपको अच्छा लगे। तो गाइस, अभी अभी जस्ट क्या हुआ है कि यहाँ पर अभी माइकल की उसकी वाइफ से लड़ाई हो चुकी है और उसकी वाइफ को एक न्यू कार चाहिए। तो गाइस, वो न्यू कार आज इस वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं। बहुत सारी कार्स हम लोग देखेंगे, जो पसंद आ जाएगी हम उसको फाइनल कर लेंगे और अपने घर पे ले आएंगे। तो गाइस, फटाफट से चलते हैं न्यू कार लेने के लिए। तो भाई, यहाँ पर मैंने शायद मेरी ब्लैक वाली कार तो यहाँ पर अभी है नहीं, मेरे को ट्रेसी की कार देनी पड़ेगी। ट्रेसी की कार है, अमांडा की कार, सॉरी अमांडा की कार है ये। रेडियो बंद करो यार पहले, और पहले फटाफट से हम सनरूफ लगाते हैं क्योंकि धूप बहुत है। ओ ये चलो भाई, सनरूफ हमने लगा लिया है और अब हम चलते हैं फटाफट से कार की डिलीवरी लेने। ये क्या हो रहा है भाई, हुआ नहीं था अच्छे से। अच्छा चलो गाइस, कार की डिलीवरी। वैसे तो मैंने फ्रैंकलिन से बात करी, उसने बोला कि दो कार्स उसके पास भी हैं, बस मतलब सुपर कार्स हैं उसके पास। वो वाला हमने लास्ट में ऑप्शन रखा है, बाकी हम लोग चलते हैं सीमियन के पास क्योंकि उसके पास कार्स का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। तो उससे बात करेंगे, फिर पता चलेगा कि कितनी कार्स उसने हमारे लिए रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो भाई चलते हैं फटाफट से फुल स्पीड में भगाते हुए सीधा सीमियन के पास। अरे यार, ड्राइविंग स्किल्स तो मेरी वैसे भी अच्छी है, एक आध बार ठुक जाती है वो अलग बात है। चलो गाइज, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर देन आपसे मैं मिलता हूँ। तो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट में सीमियन मोटे के पास। यहाँ पर कर देते अपनी कार्स को पार्क और पूछते हैं कि भाई कार्स की क्या क्या डील आई है, भाई फटाफट से बता दूँ यार। अरे यहाँ पे तो कोई कार्स ही नहीं दिख रही यार। कार्स यार, यहाँ पे तो कोई भी कार नहीं दिख रही, सीमियन भी नहीं दिख रहा यार, कहाँ पर है यार वो। चलो गाइज, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर देन मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइज, मैंने सीमियन से बात कर ली, उसने बोला कि यार आज आज तो मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊँगा कार क्योंकि आज वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गया हुआ है। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैंकलिन ने भी अपने पास दो कार्स रखी, तो हम फटाफट से फ्रैंकलिन से कॉल करते हैं और उसके साथ चलते हैं। उसने जो कार्स ऑर्डर कर रखी हैं, मतलब इंपोर्ट करा रखी है, एक लैम्बोर्गिनी है और दूसरी मैकलैरन है। तो गाइज, मैंने फ्रैंकलिन से बात कर ली है, उसने बोला है कि फटाफट से मुझे लेने आ जाओ, फिर हम लोग साथ में चलते हैं। तो फ्रैंकलिन अपने घर पर ही है, तो फटाफट से चलते हैं उसके घर पे। उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। तो गाइज, हम लोग फ्रैंकलिन के घर पे बस पहुंचने वाले हैं। ये रहा फ्रैंकलिन। तो गाइज, हम लोग फ्रैंकलिन के पास पहुंच चुके हैं, तो उसने बताया था कि गाइज गाड़ी हमने मंगा दी है। तो गाइज देख सकते हो यार, ये दोनों कार, लैम्बोर्गिनी सियान जो कि आपने टेक्नो गेम्स की वीडियो में तो देखी ही होगी, और ये 720S स्पाइडर मैकलेरन जो कि वाइट कलर में तो भाई बहुत सही लग रही है, मेरे ख्याल से मैट वाइट कलर है। तो भाई, फ्रैंकलिन ने बोला है कि ये दोनों कार में से कोई से भी तुम लोग ले सकते हो, लेकिन मेरे का मेरा सियान पे यार दिल आ गया यार, मैं चाह रहा हूँ कि सियान भी ले लूँ और मैकलैरिन में दे दूँ उसको, अमांडा को मैकलैरिन दे दूँ। तो गाइस, ऐसा करते हैं, मैं फ्रैंकलिन से पहले बात कर लेता हूँ, फिर देन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, मैंने फ्रैंकलिन से बात कर ली है, वो कह रहे कि तुम दोनों ले जा सकते हो, लेकिन गाइस अभी हम लोग इन दोनों गाड़ियों को ख़रीद लेते हैं फटाफट से। सियान तो मैं अपने पर्सन के लिए रखूँगा, और जो ये अपनी स्पाइडर है S20 स्पाइडर मैकलैरन, वो हम अमांडा को गिफ्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग ट्रेलर मंगा लेते हैं और इसको फटाफट से दोनों को कैरी करके ले जाते हैं अपने घर पे। तो गाइज, हमने कार्स को जो है ट्रक के अंदर लोड करा दिया है, अब हम फटाफट से चलते हैं अपने घर पे। तो अपने घर का फटाफट से मार्क लगा लेते हैं। तो ये रहा हमारा घर, तो फटाफट से चलते हैं भाई, आराम से चलाएंगे ताकि कार्स को कोई डैमेज ना हो। अरे भाई 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 भाई, शिट यार, कार्स की कार्स को कुछ ना हो यार, ये ट्रक चलाना तो बहुत मुश्किल काम है।
अब इससे निकालूं कैसे मैं? भाई ट्रक चलाना तो बहुत ही मुश्किल काम है यार। चलिए फटाफट से चलते हैं माइकल के घर पे और फटाफट से अनलोड करते हैं हमारी दोनों की दोनों कार्स, और अमांडा को करते हैं सरप्राइज, क्योंकि यार वो सुबह से यार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी यार। तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए, मूड फ्रेश क्या, उसी ने डिमांड करी है कार्स की, तो उसको फटाफट से ये कार गिफ्ट कर देंगे और फटाफट चलेंगे। गोलियां कौन चला रहा भाई? भाई बहुत मुश्किल है यार ये ट्रक चलाना तो। गाइस बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, बस पहुंच गए। बस यहाँ से राइट लेना है और हमारा माइकल का घर सीधा आ जाएगा। फटाफट से चलते हैं और गाइस कार्स को अनलोड करते हैं। मेरे को भी देखना भाई, सियान चलाने का यार बहुत मन कर रहा है मेरा, तो फटाफट से करते हैं कार्स को अनलोड। यहाँ पर रख देते हैं हमारा ट्रक को, गाड़ी हमने अनलोड कर दी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ट्रक वाला वो ट्रक लेके चला जा चुका है अनलोड करा के। तो भाई सियान देखो यार क्या गजब लग रही भाई यार, और ये उसकी S20 मैक्लारेन। चलो गाइस इस दोनों कार्स को जो है हम लोग फटाफट से अंदर ले चलते हैं। अमांडा देखेगी तो भाई खुश हो जाएगी आज तो। बिग डैडी इन द हाउस। तो चलो यार फटाफट से सियान को भी ले आते हैं। तो गाइस फटाफट से सियान को भी कर देते हैं अपने घर पे पार्क। यार वैसे सियान को ना मेरे को चलाने का बहुत मन कर रहा है। चलो एक टेस्ट ड्राइव पे होकर आते हैं। भाई क्या एग्जॉस्ट है यार, पहले इसका इंटीरियर देख लो जरा। भाई 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 क्या इंटीरियर है भाई। यो भाई मुझे लग रहा है आराम से कम 200 तो पार कर ही देगी आराम से। चलो उसकी टॉप स्पीड भी चेक कर लेंगे फटाफट से। वैसे तो यार बहुत गदर भाई, 200 तो उसने यूं ही पार कर दी। भाई ये तो बहुत ही गदर कार है यार। भाई टॉप स्पीड का तो क्या ही बोलूं, बहुत मस्त है भाई। अभी ठीक जाती भाई कार तो यार बहुत ही मस्त है। चलो फटाफट से घर पे चलते हैं गाइस। अभी मेरे को जस्ट फ़ोन, ये मैं कहाँ गया भाई। हाँ तो गाइस मैं क्या बोला था कि अभी मेरे को थोड़ी देर पहले ही मेरी फ्रैंकलिन से बात हुई थी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मेरे को एक नया घर खरीदना है। तो वो घर के लिए एक प्रॉपर्टी हम लोग देखने के लिए जाएंगे अभी। तो फटाफट से वहीं चलते हैं डायरेक्ट अपनी सियान लेकर। तो डायरेक्ट फटाफट से सबसे पहले हम लोग फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। फ्रैंकलिन को कॉल लगा लेता हूँ मैं। भाई फ्रैंकलिन कहाँ है भाई तू? तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन भाई जल्दी आ जा। अबे कार से कहाँ से आ रही है, सीधा वहीं आ जाता यार। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं भाई, जल्दी बैठ गाड़ी में। तो गाइस फ्रैंकलिन ने बताया कि कुछ इस जगह पर वो प्रॉपर्टी है, फटाफट से चलते हैं उस घर पे। तो भाई उस प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे कि वो एक बीच के पास वो प्रॉपर्टी, और भाई वो प्रॉपर्टी की फ़ोटो जब मैंने देखी थी तो भाई मेरे को भी फ़ोटो में तो बहुत अच्छी लगी थी। तो अभी जाकर देखते हैं फटाफट से कैसा घर है यार। मेरे को तो अपने पुराने वाले घर से तो बड़ा ही घर चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास कार्स में फ्यूचर में बहुत सारी लेने वाला हूँ भाई। मेरी बहुत सारी फेवरेट कार्स है जो कि मैं रखूँगा उसमें। तो चलते हैं यार फटाफट से। अरे भाई हटाओ यार, ध्यान आ रही है तुम लोग को, दिख नहीं रहा है। तो गाइस बस हम पहुँचने ही वाले हैं अपने बहुत ही मस्त सी प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहीं पे वो देखेगा इस सामने लेफ्ट साइड पे आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तो भाई 7709 इसका नंबर है भाई। एंट्रेंस तो यार बहुत ही सही है, ये बाहर घोड़ा की सड़क दिया है। एंट्रेंस तो यार बहुत ही सही है यार इसका, ऑटोमेटिक गेट है जैसे अपने पुराने वाले घर में। भाई जैसा फ़ोटो है ना बिल्कुल सेम टू सेम भाई, एक नंबर लग रहा है। और यहाँ पे एक गैराज भी है भाई, बहुत बड़ा गैराज है। तो यार ये मेरी कार के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अपनी कार को गाइस हम लोग यहीं पे पार्क कर देते हैं। अरे यार
फटाफट से देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। आ जा भाई पेंगुइन। भाई जैसा देखा था यार, ये तो बिल्कुल ही वैसा का वैसा ही है यार, एक नंबर प्रॉपर्टी लग रही है ये तो। इसका गेट, एंट्रेंस गेट कहाँ पर है? अच्छा यहाँ पर। भाई प्रॉपर्टी तो यार बहुत ही मस्त है, फटाफट से चलते हैं घर में, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो भाई ये किसकी फोटो लगे भाई, लेकिन ये घर तो बहुत ही बढ़िया भाई। भाई क्या बढ़िया घर है ये। फ्रैंकलिन बोल रहा था कि ये तुम्हें पहली बारी में ही पसंद आ जाएगा भाई, बहुत तगड़ा घर है यार ये मैंशन तो, यार बहुत तगड़ा है। और गाइस इस घर का नाम नहीं बताया मैंने इसको, इस घर का नाम है मलिबू मैंशन। इसके घर के आगे जस्ट बीच भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलो मैं फटाफट से वही दिखा देता हूँ सबसे पहले, वैसे आप यहाँ से भी देख ही पा रहोगे। ये देखो ऑटोमेटिक गेट है, यहाँ से बाहर निकलोगे। ये देखो ब्रिज, स्विमिंग पूल, वो देखो भाई सामने एकदम प्यारा सा समुद्र, और ये सामने किसी की बोट पड़ी हुई है, और ये हमारा वॉकिंग एरिया गाइस। गाइस अभी मैं पूरा मेंशन तो नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे तो मेरे को पसंद आ गया, तो मैं सोचता हूँ इसी को ही फाइनल करता हूँ। मैं फटाफट से फ्रैंकलिन को बोल देता हूँ भाई ये वाला मेंशन फाइनल कर दो भाई। तो गाइस मैंने फ्रैंकलिन से बात कर ली है, उसने बोला कि भाई इसकी फुल पेमेंट कर दो फटाफट से। तो अभी ये फटाफट चलते हैं बैंक, और वहाँ से मतलब ATM जाके वहाँ से कैश लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऑनलाइन पेमेंट तो ये लोग मना कर रहे हैं लेने से, फ्रैंकलिन मना कर रहा है। तो इसको फटाफट से करेंगे हम लोग ट्रांसफ़र, हमें फटाफट जाना होगा बैंक, और उसके बाद ये घर को हम लोग अपना कर लेंगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने घर में बहुत सारी नई नई कार्स देखने के लिए मिलेंगी, और अभी इस घर के अंदर शिफ्टिंग फटाफट से हम चालू कर देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।